व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू हैविंग अ गुड टाइम। जीएसटी चैप्टर ओवरव्यू का अपन फर्स्ट चैप्टर जीएसटी इंट्रोडक्शन आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये दिस चैप्टर इज बेसिकली दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर एवरीवन, सीए इंटर, सीए फाइनल, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल, सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल, आईपीएससी, ओल्ड कोर्स, न्यू कोर्स, सब के लिए, ठीक है। तो एनीबडी कैन रेफर दिस वीडियो, जो भी जीएसटी का एग्जाम दे रहा है वो ये वीडियो रेफर कर सकता है। जीएसटी इंट्रोडक्शन थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से एक आध दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये लोग एग्जाम में। अभी देख, इस पूरे चैप्टर में चार पांच आंसर ऐसे इंपॉर्टेंट है जो मोस्ट लाइकली है कि एग्जामिनेशन में आ सकता है। उसमें से देख, बेसिक सबसे पहले क्या है इसके कंटेंट्स पे, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का डिफरेंस है। डायरेक्ट टैक्स क्या बोलता है, डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर, जो भी इनकम अर्न कर रहा है वो डायरेक्टली टैक्स पे करेगा, देयरफॉर द टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड अंडर डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐसा नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में एट एवरी स्टेज टैक्स इंसिडेंस इज पास्ड टिल द गुड्स और सर्विसेज आर फाइनली कंज्यूम्ड बाय द एंड कंज्यूमर, देयरफॉर द टैक्स बर्डन हैज अल्टीमेटली टू बी बोर्न बाय एंड कंज्यूमर। इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्ट, ठीक है, तो ये एमसीक्यू में आ सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। देख, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस टोटल पांच पॉइंट है। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो उसके अंदर तुमको पांच पॉइंट याद रखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, दूसरा टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज, तीसरा शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन, चौथा वाइडर टैक्स बेस एंड पांचवा प्रमोट सोशल वेलफेयर, ठीक है। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्यों, बिकॉज गवर्नमेंट को मेजॉरिटी मोर देन 50% ऑफ द रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्सेस से मिलता है। टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज, जीएसटी क्या है, जीएसटी इज अ कमोडिटीज टैक्सेशन, मतलब जितने भी गुड्स या सर्विसेज है उस पर जीएसटी लगेगा। शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन मतलब तुम्हारा आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट यहां पर आ जाता है। जैसे जैसे तुम आगे सेल्स करते जाओगे, टैक्स बर्डन भी आगे शिफ्ट होता जाएगा। कब तक शिफ्ट होगा, अनलेस एंड अंटिल द गुड्स और सर्विसेज आर फाइनली कंज्यूम्ड, ठीक है। देयरफॉर द टैक्स बर्डन इज फाइनली बोर्न बाय एंड कंज्यूमर। नेक्स्ट, वाइडर टैक्स बेस, वाइडर टैक्स बेस एज कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्स क्यू, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स में मेजरली पांच हेड है। इसके अंदर कैसा है, जितनी भी गुड्स या सर्विसेज है वो सारी की सारी जीएसटी में कवर्ड है, अनलेस एंड अदरवाइज एग्जेम्प्टेड, ठीक है। तो देयरफॉर इसका टैक्स बेस इज वेरी वाइड। नेक्स्ट, प्रमोट सोशल वेलफेयर, प्रमोट सोशल वेलफेयर में तुमको याद रखना, जो सिन गुड्स है तुम्हारे, टोबैको हो गया या टोबैको सब्सटीट्यूट्स हो गया, उसके ऊपर हायर रेट्स ऑफ जीएसटी है। क्यों, सो दैट गवर्नमेंट अज्यूम्स कि अगर जीएसटी का रेट ज़्यादा होगा तो वो लोग टैक्स ज़्यादा होगा, टैक्स ज़्यादा होने की वजह से उसका वैल्यू बढ़ जाएगा तो उसका कंजम्पशन अल्टीमेटली कम हो जाएगा। समझ में आ गया। तो फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर आता है क्वेश्चन, तो उसके पांच पॉइंट तुमको क्या रखना है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, कमोडिटीज, टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज, टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड या फिर शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन, वाइडर टैक्स बेस एंड लास्ट प्रमोट सोशल वेलफेयर। जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। इसके अंदर एक डेट इंपॉर्टेंट है जो तुमको याद रखना है, दैट इज 1st of July 2017। वो डेट कौन सी है, उस डेट को इंडिया में जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था, एमसीक्यू में आ सकता है। इसके अलावा जितना भी है एक बार बस पढ़ लेना, सो दैट जस्ट इन केस अगर कहीं पे आ गया तो यू शुड बी एबल टू राइट। नेक्स्ट डे, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी में चार पॉइंट तुमको याद रखने हैं। सबसे पहला है वैल्यू एडेड टैक्स, दूसरा कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, तीसरा बर्डन ऑफ टैक्स टू बी बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, एंड चौथा नो कैस्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब कितना क्या, जितना तुम वैल्यू एडिशन करोगे सिर्फ उसी पे टैक्स पे करना है, बैलेंस जो भी टैक्स है वो तुम्हारा आईटीसी में सेटल हो जाता है। नेक्स्ट, कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, जैसे जब तक गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम नहीं हो जाती तब तक उसकी सप्लाई पे तुमको आईटीसी मिलता जाएगा। ए ने बी को सप्लाई किया, बी ने आगे सी को सप्लाई किया तो बी विल टेक आईटीसी, सी आगे डी को सप्लाई करेगा तो डी विल टेक, सी विल टेक आईटीसी, डी आगे ई को सप्लाई करेगा तो डी विल टेक आईटीसी, एंड सो ऑन, अनलेस एंड अंटिल द गुड्स और सर्विसेज आर फाइनली कंज्यूम, ठीक है। अपन आगे देखेंगे ये तीनों दोनों क्वेश्चन फीचर्स और कॉन्सेप्ट, आगे क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, बर्डन टू बी बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, अपन ने देख लिया, जब तक गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम नहीं हो जाती तब तक टैक्स क्रेडिट आगे बढ़ता जाएगा। जो बंदा फाइनली गुड्स या सर्विस कंज्यूम करेगा, दैट पर्सन हैज टू बेयर द टैक्स बर्डन ऑल्सो, ठीक है। एंड लास्ट, नो कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स ऑन टैक्स, जीएसटी के आने से जो टैक्स एलिमेंट पर टैक्स लगता था वो हट गया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी के चार पॉइंट कौन कौन से तुम याद रखोगे, वैल्यू एडेड टैक्स, कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, बर्डन टू बी बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, एंड नो कैस्केडिंग इफेक्ट। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी में कंफ्यूज होना नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, कोई भी चीज़ की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि जो ऑलरेडी अपने पास है उसके अंदर कोई फ्लॉ या डेफिशिएंसी है, ठीक है? इसमें भी ऐसा ही है, दो पार्ट में आंसर कवर्ड है, पहला डेफिशिएंसीज इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड दूसरा जीएसटी अ क्योर फॉर द इल्स ऑफ द डेफिशिएंसी। मतलब क्या, पहले पार्ट में तुमको ये बताया कि जो तुम्हारे पुराने लॉस थे उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम था, और सेकेंड पार्ट में तुमको ये बताया कि जो जीएसटी आया है उसने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की है। अपन फर्स्ट पार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट के साथ साथ सेकेंड पार्ट भी हो जाएगा, इट इज़ ऑलमोस्ट अपोजिट। देख, डेफिशिएंसीज इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, इसके अंदर पांच पॉइंट है। सबसे पहला डबल टैक्सेशन ऑफ द सिंगल ट्रांजैक्शन, दूसरा सैंडवेट डिड नॉट इंक्लूड द चेन ऑफ वैल्यू एडिशन, तीसरा सेट ऑफ ऑफ क्रेडिट ऑफ वन अगेंस्ट द अनदर वाज नॉट पॉसिबल, चौथा सेवरल टैक्सेस इन द स्टेट वर नॉट सब्स्यूम्ड, एंड लास्ट कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। ठीक है, अभी देख, सबसे पहले डबल टैक्सेशन ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन कैसे होता था। प्रीवियस लॉ में क्या था, एक्साइज भी लगता था, सर्विस टैक्स भी लगता था, तो फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर, ठीक है, वैट भी लगता था। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर को अगर मैं बेचता तो उस पर मुझे वैट पे करना पड़ता, एंड अगर मैं उससे रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड करता तो सर्विस टैक्स पे करना पड़ता। तो ये एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए दो टैक्सेस आ जाते थे, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती थी। जीएसटी के आने से सब हट गया, अगर मैं उसको बेच रहा हूँ तो भी मेरे को जीएसटी पे करना है, उससे कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो भी मुझे जीएसटी पे करना है। तो जो डबल टैक्सेशन और सिंगल ट्रांजेक्शन है वो तुम्हारा जीएसटी के आने से हट गया। नेक्स्ट, सैंडवेट डिड नॉट इंक्लूड द चेन ऑफ वैल्यू एडिशन। प्रीवियस लॉ में वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, जीएसटी के आने से तुम्हें वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट आ गया है। बिकॉज ऑफ जीएसटी जितना तुम्हारा वैल्यू एडिशन होता है वैल्यू में, बस उसी एडिशन पर टैक्स लगेगा, बैलेंस सारा का सारा आईटीसी में सेटल हो जाएगा। थर्ड, सेट ऑफ ऑफ क्रेडिट ऑफ वन अगेंस्ट द अनदर वॉज नॉट पॉसिबल अंडर प्रीवियस लॉ। मान ले मेरे पास, मैंने सर्विस टैक्स पे किया और मेरे पास उसका क्रेडिट पड़ा है, तो अगर मुझे वैट पे करना है तो आई कैन नॉट यूज़ द क्रेडिट ऑफ सर्विस टैक्स, अगर मुझे सैंडवेट पे करना है तो आई कैन नॉट यूज़ द क्रेडिट ऑफ सर्विस टैक्स, और वाइस वर्सा। जीएसटी में ऐसा नहीं है, जीएसटी में क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है तो आई कैन यूज़ इट टू पे सीजीएसटी, और आई कैन यूज़ इट टू पे एसजीएसटी, एंड और वाइस वर्सा। तो जीएसटी के आने से जो सेट ऑफ ऑफ क्रेडिट ऑफ वन अगेंस्ट दी अनदर वाला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, जीएसटी आने से क्या हो गया, जितने भी तुम्हारे स्टेट टैक्सेस थे, जो छोटे छोटे स्टेट टैक्सेस थे ना, वो सारे के सारे सब्स्यूम हो गए। मतलब क्या क्या, पहले तुमको अलग अलग स्टेट लेवल टैक्सेस से डील करना पड़ता था, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तुम्हें खाली एक जीएसटी से डील करना है। तो इसमें क्या पॉइंट है, देयर वर सेवरल टैक्सेस इन द स्टेट व्हिच वर नॉट सब्स्यूम्ड, नीचे जीएसटी में क्या पॉइंट आएगा, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट टैक्सेस आर सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी। एंड लास्ट, नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स रिजल्टिंग इनटू कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स ऑन टैक्स, जीएसटी के आने से जो टैक्स एलिमेंट पर टैक्स लगता था वो हट गया। ठीक है, तो डेफिशिएंसी में पांच पॉइंट तुम्हारे कौन से, डबल टैक्सेशन ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन, सैंडवेट डिड नॉट इंक्लूड द चेन ऑफ वैल्यू एडिशन, थर्ड सेट ऑफ क्रेडिट ऑफ वन अगेंस्ट द अनदर वाज नॉट पॉसिबल, फोर्थ सेवरल स्टेट टैक्सेस वर नॉट सब्स्यूम, एंड लास्ट नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स रिजल्टिंग इनटू कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। ठीक है, इसके बाद जीएसटी है क्योर ऑफ इल एग्जिस्टेंस। देख, ऊपर वाला अगर तुमको याद आ जाता ना तो नीचे वाला लिखना इजी पड़ जाएगा। सबसे पहला क्या है, कॉम्प्रेहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर है। पहले कैसा था, एक्साइज ड्यूटी था, वैट था, सैंडवेट था, सीएसटी सेल्स टैक्स वगैरह सब था। अब ऐसा नहीं है, अब तुम्हारे पास खाली ये कॉम्प्रेहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर है, दैट इज वन एंड ओनली जीएसटी। नेक्स्ट, साइमल्टेनियस इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एट बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवल, इंटीग्रेटिंग टैक्सेस। पहले कैसा था, ऊपर नॉन इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेस था, अब ऐसा नहीं है, अब कुछ भी हो जाए जीएसटी ही लगेगा। तू परचेस कर तो जीएसटी लगेगा, तू सेल्स कर तो जीएसटी लगेगा, तू मैन्युफैक्चर कर तो जीएसटी लगेगा, तू सर्विस दे तो भी जीएसटी लगेगा। तो अलग अलग टैक्सेस से तुमको डील नहीं करना है, अलग अलग एक्ट्स और अलग अलग लॉ से तुमको डील नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट, मेजोरिटी ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन सब्स्यूम्ड। ये इसका एक क्वेश्चन है, वो अपन आगे देखेंगे कि भाई कौन कौन से टैक्सेस है, कौन कौन से स्टेट लेवल टैक्सेस और सेंट्रल लेवल टैक्सेस जो सब्स्यूम हो गए। ठीक है, ये आंसर इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार मार्क कर करना, नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, हाई पॉसिबिलिटी के ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट क्या है, डुअल जीएसटी कॉन्सेप्ट। डुअल जीएसटी मतलब इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट मतलब सप्लाई बिटवीन द सेम स्टेट्स। तो अगर एक ही स्टेट में सप्लाई हो रहा है तो उस केस में डुअल जीएसटी कॉन्सेप्ट लग जाएगा। डुअल जीएसटी मतलब सेंटर एज वेल एज स्टेट विल अर्न द अमाउंट साइमल्टेनियसली। ठीक है, मतलब सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी साइमल्टेनियसली लगेगा। फॉर इंस्टेंस, अगर जीएसटी रेट 9% है तो 4.5% सीजीएसटी, 4.5% एसजीएसटी लगेगा। जीएसटी रेट 18% है तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी लगेगा। उसको बोलते हैं डुअल जीएसटी कॉन्सेप्ट। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी क्या होता है एक बार देख लेना, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क एक बार देख लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ये इसमें आ सकता है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि भाई गुड्स का क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे होता है। तो गुड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एचएसएन सिस्टम, दैट इज हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है,
कंपोजिशन स्कीम एक नया चैप्टर है, रजिस्ट्रेशन पूरा चैप्टर है, एग्जम्पशन चैप्टर है, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। देख इसके अंदर तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी है ना वो वापस क्लेरिफाई हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी में चार पॉइंट है, चार पॉइंट कौन कौन से थे इधर देख। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी में चार पॉइंट तुम्हारे थे, वैल्यू एडेड टैक्स, कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स एडेड, बर्डन टू बी बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर एंड नो कैस्केडिंग इफेक्ट। अभी इधर देख, सबसे पहला ए सप्लायर है, बी सप्लायर है और सी एंड कंज्यूमर है। ए क्या करता है, ए बी को सप्लाई करता है 1 लाख का, बी क्या करता है 1,20,000 का सप्लाई करता है सी को। तो बी ने वैल्यू एडिशन कितना किया 20,000 का, ठीक है। तो ये याद रखना, सबसे पहला वैल्यू एडिशन, टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। अभी देख ए एंड बी आर फ्रॉम महाराष्ट्र, ई सी फ्रॉम गुजरात। तो ए और बी के बीच में जो भी सप्लाई दैट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, दैट इज सप्लाई बिटवीन द सेम स्टेट। बी एंड सी एंड कंज्यूमर इज फ्रॉम गुजरात, तो बी और सी के बीच में जो भी सप्लाई हो रहा है वो इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है, दैट इज सप्लाई बिटवीन टू स्टेट। देयरफॉर ए बी के सप्लाई पे सी जी एस टी प्लस एस जी एस टी लग जाएगा और बी और सी के सप्लाई पे आई जी एस टी लग जाएगा। नीचे दो केस दिए, वो दोनों केस में इन शॉर्ट डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद मैं स्क्रॉल करूंगा। तो अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इलस्ट्रेशन के सॉल्यूशंस देख लेना, अदरवाइज जाने देना, पॉज करके वीडियो एक बार उसको देख लेना, जस्ट इन केस इफ यू वांट टू सी इट, अदरवाइज यू कैन लेट इट गो। चल केस वन देख, क्या बोलता है, गुड सप्लाइड बाय ए टू बी फॉर रुपीज 1 लाख इन दिस केस। अभी इस केस में देख क्या है, ए शैल कलेक्ट पेमेंट प्लस जीएसटी 1 लाख पे। जीएसटी रेट कितना है ए और बी के बीच में, 2.5%। तो 1 लाख पे 2.5 इज 2500 सीजीएसटी एंड 2500 इज एसजीएसटी। तो ए क्या करता है, पेमेंट लेगा 1 लाख प्लस उस पर 2500 सीजीएसटी एंड 2500 एसजीएसटी कलेक्ट करेगा फ्रॉम बी एंड द सेम शैल बी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। अब किसके जेब से पैसा गया, बी के जेब से। तो बी क्या करेगा, 2500 सीजीएसटी का क्रेडिट ले लेगा, 2500 एसजीएसटी का क्रेडिट ले लेगा, ठीक है। अब बी आगे कितना सप्लाई कर रहा है, सी जी एस टी एस जी एस टी कॉन्करेंटली लिवाइड सिंस बोथ ए एंड बी आर इन द सेम स्टेट। अभी देख नेक्स्ट केस टू, केस टू क्या बोलता है, सप्लाई बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी के बीच में इंटर स्टेट सप्लाई 1,20,000, 1,20,000 पे 5% के हिसाब से आई जी एस टी बी कितना कलेक्ट करेगा, बी विल कलेक्ट आई जी एस टी एट द रेट ऑफ 5%, दैट इज 6,000, ठीक है। अभी इधर देख, बी ने एक्चुअली पे कितना किया, अपने जेब से 5,000 पे किया था, तो वो 5,000 का उसने क्या ले लिया, क्रेडिट ले लिया। तो अभी वो 6,000 में से 2,500 सीजीएसटी माइनस करेगा, 2,500 एसजीएसटी माइनस करेगा, बैलेंस 1,000 वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो ये तुम्हारा समरी हो गया, इसका नीचे सोल्यूशन दिया हुआ है, नीचे तुमको सोल्यूशन दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम बेसिस सिमिलर लाइन पे जा रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, देख लेना एक बार इस वीडियो को पॉज करके, अगर तुमको चाहिए तो नीचे सोल्यूशन भी सेम वीडियो को पॉज करके देखते जाना। ये उसका सेकंड पार्ट आ गया, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इंटर स्टेट सप्लाई है तुम्हारा, इंटर स्टेट दैट इज सप्लाई बिटवीन टू स्टेट्स, आईजीएसटी लगता है उसके ऊपर। ये जो स्टेटमेंट है तुम्हारा, स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार ध्यान से समझ लेना एग्जाम में जाने से पहले। चल नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, जीएसटी कॉमन पोर्टल है, जीएसटी कॉमन पोर्टल www.gst.gov.in। कॉमन पोर्टल क्यों बनाया, क्योंकि अब जीएसटी रिलेटेड जो भी है वो सारा का सारा तुम्हारा ये कॉमन पोर्टल पे होगा। तुमको रजिस्ट्रेशन लेना है कॉमन पोर्टल पे, रिटर्न सबमिट करना है कॉमन पोर्टल पे, आईटीसी रिलेटेड कोई इशू है कॉमन पोर्टल पे, टैक्स पे करना है, रिफंड क्लेम करना है कॉमन पोर्टल पे, व्हाटएवर इट इज इन रिलेशन टू जीएसटी, सबका सब तुम्हारा कॉमन पोर्टल पे ही होगा, ठीक है। तो एक बार इसको फटाफट जाने से पहले देख लेना, ये फंक्शंस ऑफ जीएसटी एन इंपॉर्टेंट है। देख रजिस्ट्रेशन आ गया, रिटर्न्स आ गया, कंप्यूटेशन सेटलमेंट आ गया, मैचिंग ऑफ टैक्सेस आ गया, एमआईएस रिपोर्ट्स आ गया, एनालिसिस आ गया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट देख जीएसटी या टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब इधर देख जीएसटी क्या बोलता है कि भैया मेजॉरिटी जितने भी गुड्स या सर्विसेज है अनलेस एंड अदरवाइज वो तुम्हारी नेगेटिव लिस्ट या मेगा एग्जेम्पशन में है, सच गुड्स एंड सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू जीएसटी, ठीक है। लेकिन अभी जो अपन चार पॉइंट पढ़ेंगे ना, वो चार पॉइंट में क्या बोला है कि फॉलोइंग आर द गुड्स एंड सर्विसेज जो जिस पे जीएसटी नहीं लगता। अभी देख सबसे पहला है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अगर है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे आज भी एक्साइज लग रहा है, उसके सेल पे अभी भी वैट लग रहा है। इसमें एक अमेंडमेंट आया है, अमेंडमेंट क्या बोलता है, सेल ऑफ लिकर लाइसेंस। तुमको अगर क्वेश्चन में लिकर लाइसेंस का सेल दिखता है और ऊपर कंसीडरेशन है तो तुम क्या चेक करोगे कि भाई वो लाइसेंस किसने बेचा। अगर गवर्नमेंट सेल कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अदर देन गवर्नमेंट अगर कोई और लिकर लाइसेंस बेच रहा है तो उस पर जीएसटी लग जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, इन सब पे एट प्रेजेंट जीएसटी नहीं लग रहा है, इन नियर फ्यूचर जीएसटी लग सकता है। एट प्रेजेंट इनके मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी लग रहा है और सेल पे वैट या सीएसटी लग रहा है। थर्ड है तुम्हारा टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, और फोर्थ है तुम्हारा ओपियम, इंडियन हेम्प एंड नारकोटिक ड्रग्स, इसके ऊपर एक्साइज भी लग रहा है और जीएसटी भी लग रहा है। इनका जब तुम मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो उस पर एक्साइज लग जाएगा और जब तुम इनको बेचोगे तो जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। तो पहले दो पॉइंट में अपन ने क्या देखा कि जीएसटी नहीं लग रहा, एक्साइज प्लस वैट लग रहा है। दूसरे दो पॉइंट में, थर्ड और फोर्थ में अपन ने क्या देखा, एक्साइज तो लग ही रहा है साथ में जीएसटी भी लग रहा है। समझ में आ गया। नेक्स्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी लास्ट पॉइंट है। अगर तुम इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई सर्विस दे रहे हो तो उस पर जीएसटी लग जाएगा, सब्जेक्ट टू नेगेटिव लिस्ट मेगा एग्जेम्पशन। हाउएवर सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। देख, टैक्सेस सब्स्यूम्ड इन जीएसटी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। सेंट्रल टैक्सेस और स्टेट टैक्सेस, कौन कौन से सेंट्रल टैक्सेस है जो जीएसटी में सब्स्यूम्ड हुए। सब्स्यूम होना मतलब मर्ज होना। तो पहले अपना एक्साइज चलता था, सर्विस टैक्स चलता था, वैट चलता था, सेनवेट चलता था, तो ये सारे के सारे हट गए, इनकी जगह पे अभी जीएसटी आ गया। इधर देख, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, ये एक्साइज वाला आ गया, सर्विस टैक्स आ गया, फिर सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी, सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी आ गया, सरचार्जेस, सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेस, ये सारे के सारे सब्स्यूम होकर अभी जीएसटी बन चुका है। स्टेट टैक्सेस में क्या है, स्टेट सरचार्जेस एंड सेस आ गया, स्टेट लेवल वैट आ गया, लॉटरीज और उस पर जो टैक्सेस थे, वैट, सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एडवर्टीजमेंट पे कोई टैक्स था, ऑक्ट्रॉय वगैरह था, तो वो सारे सब्स्यूम हो गए एंड उसकी जगह पे जीएसटी आ गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर कर ना, ये एग्जाम में आ सकता है, इधर इन एमसीक्यू और एक या दो मार्क का आंसर एज सच। नेक्स्ट देख, बेनिफिट ऑफ जीएसटी, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के मोस्ट लाइकली चांसेस है। तो इसके अंदर तीन चार पार्ट है, कौन कौन से सेक्टर में बेनिफिट हो रहा है। तो सबसे पहले इकोनॉमी बेनिफिट हो रहा है, दूसरा इसका जो सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर है उसका क्या फायदा हो रहा है, तीसरा जो टैक्स कंप्लायंस है उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, और चौथा ट्रेड इंडस्ट्री पर क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमी में तुम्हारे पास तीन पॉइंट है, सबसे पहला यूनिफाइड नेशनल मार्केट, दूसरा मेक इन इंडिया मूवमेंट एंड तीसरा इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर में कैसा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ईजी टैक्स कंप्लायंस में अगेन दो पॉइंट है, ऑटोमेटेड प्रोसीजर विद ग्रेटर यूज ऑफ आईटी एंड सेकंड रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट। और लास्ट ट्रेड इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो बेनिफिट्स टू एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड, सेकंड तुम्हारा जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो हट गया, एंड थर्ड जो स्मॉल ट्रेड पेयर्स है उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो अभी इधर देख, इकोनॉमी में क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, यूनिफाइड नेशनल मार्केट में एक रिमूविंग इकोनॉमिक बैरियर्स करके पॉइंट है, वो तुमको याद रखना है। दूसरा, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिल रहा है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की वजह से जो अपना लोकल प्रोडक्ट है वो नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो रहा है। एनहेंस्ड इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, एनहेंस्ड इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, जो मेक इन इंडिया मूवमेंट की वजह से जो इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है उसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनका इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ रहा है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट जनरेट हो रही है एंड दस एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर में क्या, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पहले कैसा था तुमको एक्साइज, वैट, सीएसटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स सबसे ध्यान रखना पड़ता था, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तुम्हें खाली जीएसटी से कंप्लायंस करना है। तो जो स्मॉल ट्रेड स्मॉल बिजनेसमैन है उनको बिजनेस करने में ईजीनेस आ गई है। नेक्स्ट सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बोलता है, कॉमन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, अभी गुड्स और सर्विसेज का क्लासिफिकेशन अलग अलग कर दिया है सो दैट तुम्हें जीएसटी पे करने में आसानी हो। ईजी टैक्स कंप्लायंस, अपन ने देखा था जीएसटी कॉमन पोर्टल सबका सब ऑनलाइन हो चुका है विद द ग्रेटर यूज ऑफ आईटी, देयरफॉर अभी फिजिकली तुमको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंटेन नहीं करने, एंड बिकॉज तुमको फिजिकली कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंटेन नहीं करने तो तुम्हारा जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो भी कम हो गया। एडवांटेजेस फॉर ट्रेड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल रिलेटेड अभी 99% एग्रीकल्चरल रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो तुम्हारी एग्जम्प्ट है, 1% कोई ऐसा होगा जो एग्रीकल्चर में आता है लेकिन वो टैक्सेबल हो जाता है। इल इफेक्ट्स ऑफ कैस्केडिंग अपन ने देख लिया, टैक्स ऑन टैक्स एलिमेंट हट गया, एंड स्मॉल ट्रेडर्स और एंटरप्रेन्योर्स को क्या बेनिफिट है भैया, जीएसटी के आने से एक तो हायर थ्रेशोल्ड लिमिट आ गया रजिस्ट्रेशन का, 40 लाख का चला गया, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारे पास कंपोजिशन स्कीम या कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स पेमेंट आ गया, तो वो सारे बेनिफिट्स जो स्मॉल ट्रेडर्स को मिल रहे वो भी इसमें कवर हो जाएगा। समझ में आ गया।
नेक्स्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एक बार फटाफट ऊपर ऊपर से घुमा लेना। इसके अंदर एक 7 शेड्यूल टू आर्टिकल 246 है, वो इंपॉर्टेंट है। 7 शेड्यूल टू आर्टिकल 246 में तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर जो एंट्रीज है दैट इज एंट्री नंबर 82 to 91। उस एंट्रीज में जितना जो भी तुम्हारा सर्विसेज या गुड्स आता है उसका पावर एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 45 टू एंट्री नंबर 63 कवर्ड है। इसके अंदर जो भी गुड्स या सर्विसेज आते हैं इसका पावर स्टेट के पास रहेगा। एंड लास्ट कॉन्करेंट लिस्ट में जो एंट्री स्टेट लेवल और यूनियन में नहीं है वो सारी कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। इसमें जो भी गुड्स या सर्विसेज कवर होंगे उसका पावर स्टेट प्लस सेंटर दोनों के पास साइमल्टेनियसली होगा। ठीक है, तो 7 शेड्यूल टू आर्टिकल 246 याद रखना। नेक्स्ट आर्टिकल 246 ए, पावर टू मेक लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी इधर देख, तेल लगाने गया आर्टिकल 246 और 254 में क्या बोला है। आर्टिकल 246 ए क्या बोलता है कि अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट मतलब सप्लाई विद इन द सेम स्टेट, अगर विद इन द सेम स्टेट सप्लाई है तो वो सप्लाई रिलेटेड जो भी पावर है वो स्टेट एज वेल एज सेंटर दैट इज पार्लियामेंट के पास साइमल्टेनियसली होगा। एंड इंटर स्टेट बिटवीन टू स्टेट्स अगर कोई सप्लाई हो रहा है तो वो सप्लाई रिलेटेड जो भी पावर्स है वो पार्लियामेंट दैट इज सेंटर के पास एक्सक्लूसिवली होगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है इसका जीएसटी काउंसिल इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। जीएसटी काउंसिल क्या है, एक जॉइंट फोरम कंस्टिट्यूट होगा जिसमें एक प्रेसिडेंट होगा एंड उसका चेयरमैन होगा। उसका चेयरमैन कौन होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जो इंडिया का यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो तुम्हारा चेयरमैन हो जाएगा इस जीएसटी फोरम का। इसके मिनिस्टर्स भी होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स हो गए या फिर टैक्सेशन मिनिस्टर्स हो गए ना, तो ये सारे इसके मेंबर्स हो जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर टैक्सेशन मिनिस्टर के अलावा अगर कोई ऐसे मिनिस्टर्स है जिनको फाइनेंस मिनिस्टर या टैक्सेशन मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया है तो वो सच नॉमिनेटेड मिनिस्टर्स भी इसके मेंबर्स बन सकते हैं। इनके अलावा जो यूनियन स्टेट का जो यूनियन मिनिस्टर है ना, वो यूनियन मिनिस्टर भी जीएसटी जॉइंट फोरम का मेंबर बन सकता है। अभी देख, जीएसटी काउंसिल क्यों बनाया है, जीएसटी रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं ना वो ये काउंसिल में लिए जाते हैं। देयरफॉर ये डिसीजन का अप्रूवल इंपॉर्टेंट है। अब अप्रूवल कैसा है, एवरी डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल इज टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4, दैट इज एटलीस्ट 75% ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। एटलीस्ट 75% ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी वोट जो है ना वो तुम्हारा वेटेड एवरेज वोट है, दैट इज सेंटर का 1/3 वोट है एंड जितने भी स्टेट्स है ना सबका मिला के 2/3 ऑफ द वोट्स है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, इसको याद रखना। चल, इसी के साथ अपना चैप्टर 1 यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन डेफिनेशंस, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो डेफिनेशन कवर करेंगे, उसके बाद चैप्टर 3 तुम्हारा स्कोप ऑफ सप्लाई कवर करेंगे, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। ठीक है, चलो गाइस, हैव अ नाइस डे, आदियोस।